इजी फिजिक्स के साथ में हुआ संवाद। तो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हमने जो है एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है उनको हल करके आपको दिखाना है। तो इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप पूरा चैप्टर जो है मुकम्मल चैप्टर को आप रिवाइज करें तो आपके लिए एमसीक्यूज कुछ भी एमसीक्यूज में मुश्किल नहीं आपको लगेगा। और उसके साथ साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एमसीक्यूज को हल करने का एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आपका कभी भी कोई भी एमसीक्यूज हो, किसी भी बुक का हो, वो एमसीक्यूज आपका गलत नहीं होगा। यानी एमसीक्यूज को हल करने का एक आसान तरीका, एक आसान ट्रिक जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज जो है। सबसे पहला एमसीक्यूज है, कहता है कि अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव अलोंग अ लाइन। कहता है एक बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन होगी इफ इट मूव अलोंग अ लाइन। वो लाइन आपने बतानी है कौन सी होगी। नंबर ए ऑप्शन उसने दिया है स्ट्रेट लाइन, नंबर बी ऑप्शन उसने दिया सर्कल, नंबर सी ऑप्शन दिया उसने लाइन विदाउट रोटेशन और नंबर डी ऑप्शन उसने दिया है कर्व्ड पाथ। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमने आपको बताया था कि ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी मूव अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन के बॉडी मूव करती है। इसमें पहला ऑप्शन स्ट्रेट लाइन वाला भी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन की डिफाइन में जब हमने पढ़ा था तो वहां पे स्ट्रेट लाइन भी वो मोशन हो सकती है, लेकिन जब हम यहां पे देखते हैं बेस्ट चॉइस हमारे पास है तो वो सी ऑप्शन है लाइन विदाउट रोटेशन के। तो इसलिए आपने इसका सही आंसर जो आप लगाओगे वो सी है, जो मैं लिख देता हूं यहां पे कि सी ऑप्शन जो है लाइन विदाउट रोटेशन, लाइन विदाउट रोटेशन। तो ये इसका बेस्ट एमसीक्यूज का आंसर है लाइन विदाउट रोटेशन जो कि सी है। एमसीक्यूज नंबर टू है, कहता था मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। किसी बॉडी की एक्सिस के अंदर जो मोशन होती है कहता वो कहलाती है। नंबर ए ऑप्शन दिया है सर्कुलर मोशन, नंबर बी ऑप्शन दिया है रोटेटरी मोशन, नंबर सी ऑप्शन दिया है वाइब्रेटरी मोशन, नंबर डी ऑप्शन दिया उसने रेंडम मोशन है। तो द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन हमने आपको बताई थी टाइप्स ऑफ मोशन में, हमने इस चीज को पढ़ा था कि व्हेन अ बॉडी मूव अबाउट इट्स एक्सिस, जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पे मूव करती है तो उसकी मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन है। अगर हम यहाँ पे बात करें सर्कुलर मोशन की, एक खिलौना होता है टॉय, तो आपने देखा होगा एक रेलगाड़ी अगर है तो वो इस तरह से पूरी की पूरी मूव कर रही होती है ऐसे। लेकिन जब हम रोटेटरी मोशन की बात करते हैं तो रोटेटरी मोशन में बॉडी मूव अबाउट एन एक्सिस, यानी अपने एक्सिस के अगेंस्ट मूव करती है, जैसे लट्टू इसकी एग्जांपल में आपको बताया था मैंने। तो अब ये अपने एक्सिस, ये पॉइंटर जैसे है, ये अपने एक्सिस के अगेंस्ट मूव करता है। तो जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस के अगेंस्ट मूव करती है तो उसकी मोशन को हम बोलते हैं कि ये मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, रोटेटरी मोशन। नंबर थर्ड एमसीक्यूज है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने बताना है कि कौन सी इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर ए ऑप्शन दिया उसने स्पीड, नंबर बी ऑप्शन उसने दिया डिस्टेंस, नंबर सी ऑप्शन दिया डिस्प्लेसमेंट, नंबर डी ऑप्शन जो दिया है वो है पावर। अब यहां पे देखें अगर स्पीड की हम बात करें, स्पीड क्या हमारे पास है, स्पीड वी इज इक्वल टू एस बाय टी था, डिस्टेंस ओवर टाइम था। अब डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ पाथ होती है। लेंथ ऑफ पाथ मतलब यहां से मूव करके आप यहां पे जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो ये सारी लेंथ क्या थी, ये सारी लेंथ को हमने डिस्टेंस का नाम दिया था। तो डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ओनली डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, दैट्स व्हाई डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो ये हमारे पास स्केलर ही है, क्योंकि स्पीड की जब हम बात करते हैं तो स्पीड में भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, इसलिए स्पीड भी क्या है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब पावर की बात करें तो पावर P इज इक्वल टू होता है, ये हम नेक्स्ट आगे 6 चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे पावर के बारे में, पावर P होता है W / T। अब W क्या है, वर्क, वर्क और नीचे टाइम है, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब वर्क भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी स्केलर क्वांटिटी ही आना है। अब पावर भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है। अब इसमें से ऑप्शन बचा है आपके पास सी, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या था,
डिस्प्लेसमेंट था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो अब ये था डिस्प्लेसमेंट जी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये इसके साथ क्या है, ये लेंथ इसकी जो इतनी है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी साथ है। तो इसलिए जब हमने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के डिफरेंस में आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी बयान करते हैं, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सही आंसर इसका फिर क्या हुआ, सी ऑप्शन इसका सही है जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट अप एमसीक्यू नंबर 4 है, कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहता है विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो आपने बताना है अलोंग द टाइम एक्सिस है, अलोंग डिस्टेंस है एक्सिस है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है या इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। अब देखिए कि हमने देखा था इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड के साथ जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। तो हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो इसमें हमने y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया था और एक्सिस पे हमने क्या लिया था, टाइम लिया था। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उसका ग्राफ, इसके लिए हमने ग्राफ की वीडियो की थी तो आप उसको लाजमी देखिएगा। तो इसमें हम ग्राफ के बारे में आपको बताया था, तो स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता था तो उसका ग्राफ कुछ यूं था, यानी ऐसे। और ये जो है ये ग्राफ क्या है, इंक्लाइन, यानी कि पहले ये बता रहे आपको एक सेकंड के बाद उसने 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया, 2 के बाद उसने 4 का किया है, 3 के बाद उसने 6 का किया है। तो इस सब में हमारे पास कांस्टेंट स्पीड जो आएगी, क्योंकि हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाय टी होता है। याद रखें जब d के ऊपर मैंने वेक्टर का निशान नहीं लगाया तो ये डिस्टेंस ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो है वो इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस आएगा, क्योंकि लाइन इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका सही होगा जो कि इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। उसके बाद on a distance time graph tell us that the object is, अब ये बात है, ये वो जो हम पिछले MCQs में आपको बता रहे थे। अब देखिए कि distance हमारे पास है और इधर क्या हमारे पास time है। अब object जो है वो move करके जा रहा है, इधर जरा मैं इसका graph बना के आपको दिखा देता हूँ कि अगर 1 second है, ये 2 second है, ये 3 second है, इधर 2 है, ये 4 है। तो अब 1 second के बाद object जो है वो 2 meter का distance है उसका, 2 के बाद भी उसका 2 meter का distance है, 3 के बाद भी उसका 2 meter का distance है। तो ये लाइन क्या हमें बता रही है, ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 मीटर ही है, तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर नहीं किया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इसमें, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हमें बताती है डिस्टेंस लाइन ग्राफ में कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। तो इसका इसका सही आंसर जो हमारे पास होगा, उसने 4 एमसीक्यू जो दिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पहला MCQs है moving with constant speed, B MCQs है at rest, C MCQs है moving with variable speed, D option है in motion। तो इसका सही आंसर B है at rest। तो आप इसका सही आंसर लगाइएगा B at rest। उसके बाद MCQs number 6 है, MCQs number 6 में कहता है कि हमारे पास the speed time graph of a car is, speed time graph of a car is शो इन फिगर, ये यहाँ पर उसने फिगर बना के हमें दिखाया है
तो ये मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से उसने फिगर में यहां पे ग्राफ जो है वो शो करवाया है। MCQ नंबर 6 हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ये इस तरह से ग्राफ उसने दिखाया जी, टाइम उसने सेकंड्स में लिया हुआ है और वेलोसिटी जो उसने है मीटर पर सेकंड में ली है। तो अब इसमें बताना वो ये चाह रहा है कि आप स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन अ फिगर, कहता है इसमें स्पीड टाइम ग्राफ शो कर दिया है, यहां पे उसने 10 लिखा हुआ है इन टाइम 10 सेकंड है और इस तरह से जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है, यहां पे 0 है ओरिजिन पे। तो अब देखते हैं कि कहता है कि शोन फिगर में दिखा दिया, फॉलोइंग स्टेटमेंट आपने चार एमसीक्यूज ने दिए हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपने बताना है। पहली स्टेटमेंट कहता है कि कार हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी में कहता है कार हैज कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन में कहता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इज 75 मीटर, डी ऑप्शन में कहता है एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले जब भी आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ आता है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये एक्सीलरेशन देता है, एक्सीलरेशन होता है v / t, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं vf - vi / t, यानी चेंज इन वेलोसिटी से ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम देखें यहां पे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 15 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 0 है, टाइम कितना हमारे पास 10 है, तो इसका मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखिए कि किसमें जो ये लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो यूनिट भी लिखा है और आंसर भी 1.5 आ रहा है, तो वो एमसीक्यूज नंबर ए है, तो इसलिए इसका सही एमसीक्यूज का आंसर जो है वो ए है, जो के है कार हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार हैज एन एक्सीलरेशन acceleration of 1.5 ms minus 2, तो इसलिए इसका सही MCQ का आंसर मैंने बताया आपको ए है, जो कि कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है, कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपने इन ग्राफ में से बताना है कि कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो शो कर रहा है। तो इसमें मैं ग्राफ बना देता हूं, पहले आपको यहां पे एक हमारे पास उसने कहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का उसने बता दिया है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, और दूसरा ग्राफ जो हमारे पास है वो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है लेकिन वो इस तरह से है, और एक तीसरा उसने ग्राफ जो है हमें दिया है वो ये है टाइम और स्पीड के दरमियान, इस तरह से एक और ग्राफ जो है, चार ग्राफ उसने दिए हमें, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएबल स्पीड के साथ है। आप देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर सही लगेगा, बड़ा ही सिंपल ट्रिक जो है MCQs को हल करने का मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखना आपने ताकि सारे MCQs आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब याद रखें जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो आपके फोरन माइंड में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब देखें कि किस किस में वेलोसिटी और टाइम है, पहले तो आप देखें यहां पे क्या डिस्टेंस और टाइम है, तो इसका मतलब इससे एक्सेलरेशन आपके पास आने वाला नहीं है। दूसरा एमसीक्यू जो है उसमें उसने कहा कि डिस्टेंस और टाइम है, तो इसका मतलब ये भी एमसीक्यू नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमारे पास वेलोसिटी बाय टाइम से आता है। अब यहां पर देखें इन दो में से कोई एक एमसीक्यू आपका सही होने वाला है। अब जब भी आपने एमसीक्यू को हल करना है तो बाद में आपको मैंने स्टार्ट में वीडियो में बताया था कि आपने एमसीक्यूज को कैसे सही करना है। अब देखिए अगर चार में से आप कोई एक तुक्का लगाते तो आपका वो 100% रॉन्ग होना था, लेकिन अब देखिए अब दो मैंने गलत कर दिए कि जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास क्या रह गया, फिर अब हमारे पास रह गया सिर्फ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो रह गया। अब इनमें से आप तुक्का लगा सकते हो, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होती है तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि यूनिफॉर्मली चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, यानी एक जितना चेंज वेलोसिटी के अंदर आ रहा है। तो यहां पर देखें सब के अंदर एक जितना ही चेंज आएगा, इधर भी एक जितना चेंज, इधर भी इतना एक जितना चेंज ही सब में आएगा। अब इसमें देखें तो ये वेरिएबल है, इसमें एक जितना चेंज नहीं आने वाला, तो इसका मतलब आपको फुल समझ आ गया होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन इसका सी जो है वो सही है, और इसको मैं लिख देता हूं यहां पे सी ऑप्शन सही है, और इसका ग्राफ भी यहां पे बना देता हूं कि ये इसका
ग्राफ है, तो इसका मतलब सी एमसीक्यू जो हमारा वो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है, कहता है बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन, कहता है जब डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं अ मूविंग बॉडी विद टाइम के साथ वी ऑब्टेन, तो हम क्या हासिल करते हैं, अब देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे पहले डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है, इसके ऊपर एरो लगाऊंगा, टाइम पे डिवाइड कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी आता है। ये हमने वेलोसिटी की वीडियो में आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आती है वेलोसिटी के बराबर होता है। तो अब हम इसमें से एमसीक्यूज को तलाश करते हैं। स्पीड एक दिया उसने, अब स्पीड देखें, स्पीड अगर हम देखें तो स्पीड तो होती है v is equal to s by d, ठीक है, या v is equal to d by t होता है। अगर d के ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगा तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इस बात को समझना आपने। तो इसका मतलब स्पीड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन नहीं है स्पीड में, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। उसके बाद आगे जी एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है, लेकिन वो यहां पे क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे हमने डिवाइड करना है, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन वाला भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद सी एमसीक्यूज है वेलोसिटी और डी एमसीक्यूज ने कहा डिसेलरेशन। अब वेलोसिटी देखिए हमने यहां पे निकाल भी लिया था, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही है जो कि वेलोसिटी है, तो हम लिख देते हैं यहां पे सी वेलोसिटी इसका एमसीक्यू ठीक हो गया। अब इसके बाद जी 9 एमसीक्यूज में कहता है कि हमारे पास है एक बार इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बार को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यानी एक बार को ऐसे हमने ऊपर की तरफ फेंका, जब बार ऊपर गया इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी आपने बता लिया कि कितनी होगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम वेलोसिटी को देखते हैं, जब किसी भी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं, जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन बॉडी एक वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए क्या करती है, रुकती है। यानी कोई भी बार आप ऐसे करके ऊपर फेंको तो वो रुकती है तो फिर ही नीचे आती है। अगर वो चीज रुकी ना ऊपर तो फिर तो वो ऊपर जानी चाहिए, फिर नीचे आई ना। इसका मतलब जब हम बाल को ऊपर फेंकेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बाल वहां पे जाके रुकेगी। अब देखते हैं एमसीक्यू ने क्या कह दिया है, -10 ms -1 है। अब देखिए -10 ms -1 तो हो ही नहीं सकता, उसके बाद क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और उसके बाद जीरो उसने दिया है, और उसके बाद 10 ms -2 दिया है, और नन ऑफ दीज दिया। अब 10 ms -2 हो सकता था, लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट पे हम बात करें, हाईएस्ट पॉइंट पे बाल जाके रुकेगी पीक पॉइंट पे, तो इसका मतलब वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिफर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसलिए इसका सही एमसीक्यू क्या आएगा, बी एमसीक्यू इसका क्या है, सही है, जो कि क्या है, जीरो है। उसके बाद जी 9 के बाद 10 एमसीक्यू कहता है चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, अब पोजीशन में चेंज ही आता है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, हम एक खास रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक हवाले का मकाम लेके उस जगह को बयान करते हैं। जैसे आपको पोजीशन वाले टॉपिक में भी आपको बताया था कि होम से आपने स्कूल जाना है, तो यहां में एक स्पेसिफिक उसकी पोजीशन लोकेशन को मेंशन कर देते हैं। जब स्पेसिफिक हमने डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन में कवर किया है तो इसको चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं। चेंज इन पोजीशन क्या कहलाएगा, फिर चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसमें एमसीक्यूज चेक करते हैं कौन कौन से हैं, एक तो उसने दिया स्पीड है, एक वेलोसिटी दिया, एक डिस्प्लेसमेंट दिया, एक डिस्टेंस दिया, तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या है, सी इसका सही है जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद 11 एमसीक्यूज है, कहता ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड, आपने इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में शो करना है। अब ट्रेन की जो उसने बताया स्पीड है वो कितनी है, वी वो 36 किलोमीटर पर आवर है। अब 36 किलोमीटर है तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप, 1000, एक किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, डिवाइड बाय पर आवर तो नीचे रहेंगे। अब एक आवर जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई 60 फिर करना पड़ेगा, तो 3600 सेकंड्स होंगे एक आवर में, तो इस पे डिवाइड कर देते हैं हम इसको।
अब ये 2020 से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, अब 36 से कैंसिल, तो 10 ms माइनस 1 आ गए। आपने प्रॉपर तरीके से इसको कैंसिल कर दिया, अगले स्टेप पे लेके जाना है, मैंने इधर कर दिया ऐसे, तो 10 ms माइनस 1 इसका आंसर देखते हैं कौन सा है, तो ए ऑप्शन ही 10 ms माइनस 1 है, तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन सही है। मजीद तो ऑप्शन दिए हैं उसमें 20 है, 25 है, 30 है, तो वो तो आ ही नहीं सकते, हमने इसको ड्राइव करके देख लिया, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है जो कि 10 ms माइनस 1 है। उसके बाद जी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 है, कहते कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है वो रेस्ट स्टार्ट करती है, जब कार ने रेस्ट स्टार्ट किया तो इसका मतलब उसकी वीआई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट एक्वायर अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, कहता है ये 25 मीटर पर सेकंड स्पीड हासिल कर लेती है आफ्टर 20 सेकंड के बाद, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आपने डिस्टेंस बताना है कि उसने कितना कवर किया। हम जानते हैं एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी ए वी एवरेज मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पे डेफिनेशन में आपको बताया था, जब स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपको बताया था कि ये एवरेज स्पीड होती है, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, वी आई प्लस वी एफ हमारे पास होती है, डिवाइड बाय हम क्या करते होते हैं इसको 2 कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, लेकिन यहां पे हम जब इसको देखेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज के कुछ आंसर उसने दिए हैं वो दिए हैं 31.35 मीटर है, 250 मीटर है, 500 मीटर है और 5000 मीटर है। अब इसको एक दो तरीकों से हम निकाल सकते हैं, एक तो एस इज इक्वल टू हम सिंपली वी टी लगा दें, तो वी हमारे पास है, क्या है वी उसने दिया है जी 25 मीटर, तो 25 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे तो हमारे पास सीधा सीधा ये आएगा 500। लेकिन जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था वहां पे हमने बताया था कि एस इज इक्वल टू वी ए वी एवरेज मल्टीप्लाई कि ये एवरेज वेलोसिटी होती है। अब ट्रेन ने क्या किया था, कार ने सॉरी रेस्ट स्टार्ट किया, तो इसका मतलब वी आई उसकी क्या थी, 0 थी, इट अपीयर अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये उसके बाद 25 मीटर पर सेकंड स्पीड हासिल कर लेती है आफ्टर 20 सेकंड, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज, तो आपने डिस्टेंस मालूम करना था कि इस टाइम में कितना होगा, तो ये हम देख लेते हैं, तो वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई टी कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 है, वी एफ उसका कितना है, वी एफ उसका है 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई टी टाइम 20 है। अब इसको देखें हम जब 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो इसके थ्रू हमारे पास क्या आएगा, 2 10 20 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 मीटर, तो इसलिए इसका सही बेस्ट चॉइस जो है वो बी है जो कि हमारे पास क्या है 250 मीटर। तो मैंने आपको बोला कि कुछ लोग इसको इस तरीका का आंसर भी निकाल लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी बेस्ट चॉइस जो है वो बी है जो कि 250 मीटर है। तो इस तरह से एमसीक्यूज की वीडियो जो है वो हमारी मुकम्मल हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका ट्रिक क्या है एमसीक्यूज को करने का। तो जब भी आपने एमसीक्यूज को हल करना है, जैसे मैंने बार बार एमसीक्यूज में आपको बताया था कि जब भी आपने एमसीक्यूज को हल करना है तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि सबसे पहले आपने चार चॉइस जो आपके पास होती है, यानी आपके पास ए बी सी और उसके बाद डी, चार चॉइस आपके पास होती है, तो आपने सबसे पहले वो दो चॉइस आपने देखनी है जो बिल्कुल आंसर आ नहीं सकता। यानी जैसे कि पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम कौन है, तो आपको एमसीक्यूज आ जाए जी परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ, इमरान खान या आसिफ अली जरदारी, तो अब चारों में से आप सबसे पहले क्या सोचोगे, आप सबसे पहले ये सोचोगे कि परवेज मुशर्रफ तो हो ही नहीं सकते क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने जो है वो यहां पे पाकिस्तान में है ही नहीं। उसके बाद दूसरी बात है जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि डेफिनेटली आपने इलेक्शन में देखा था कि वो कहीं नजर आपको नहीं है। तो दो बड़ी पार्टीज थी जिनके दरमियान डिफरेंस चल रहा था और वो थी एक नून लीग थी और दूसरी थी पीटीआई। तो अब यहां पे आपके माइंड में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए चार एमसीक्यूज में से आपके पास जो दो ऑप्शन थे वो आपने पहले क्या कर दिए, गलत कर दिए, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब इन दो एमसीक्यूज जो एक नवाज शरीफ है और दूसरा इमरान खान है, इसमें से आपने टिक लगाना है, आपने तुक्का लगाना है कि कौन सा सही है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा करीब आ सकता है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि पीटीआई की तब मार्केट बहुत अच्छी थी, पीटीआई का ग्राफ बहुत अच्छा था, तो आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा आने लग गया कि इमरान खान है। अब आप तुक्का लगाओगे ये इमरान खान है, तो अब ये एमसीक्यूज आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस तरह से और भी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं कि आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से दो एमसीक्यूज गलत है जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, उन एमसीक्यूज को आपने क्रॉस लगा लेना है
कि ये एमसीक्यूज तो हो ही नहीं सकते, बाकी जो दो एमसीक्यूज होंगे उन पे आप तुक्का लगाए तो आपका 100% तुक्का जो है वो कामयाब होगा। तो उम्मीद है आपको मेरा एमसीक्यूज का ट्रिक जो है पसंद आएगा, तो कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए आप इजी फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।